स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे, दैट इज इनऑर्गेनिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करनी किसकी है? मोगो सॉल्ट वर्सेस K2Cr2O7 सॉल्यूशन, दैट मींस डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो इसके लिए पहले हमें दो सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। ये जो पेपर सॉल्यूशन है ये है डाइक्रोमेट और एक हमें चाहिए मोगो सॉल्ट। ये जो सॉल्यूशन है बीकर में ये है मोगो सॉल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को जो है ब्यूरेट में फिट करेंगे। इसको जो है जीरो तो प्लेवल कर देंगे। क्लियर, ये हमने डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को जो है ब्यूरेट में फिट किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मोगो सॉल्ट है इसको जो है 10 ml पिपेट आउट करेंगे। ये 10 ml मोगो सॉल्ट इसको टाइट्रेशन फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें इसके बाद चाहिए H2SO4 और H2SO4 के फॉर्म में चाहिए 4-volvyl H2SO4। ये मेरे पास मेजिंग सिलेंडर में हमने प्रिपेयर किया है 4-volvyl H2SO4। इसकी जो है 1 test tube लेंगे कंप्लीट और वो जो है हम टाइट्रेशन फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। वन टेस्ट ट्यूब H2SO4 इसको जो है स्लोली टाइट्रेशन फ्लास्क में डालेंगे विद प्रॉपर शेकिंग। शेकिंग अच्छे से करनी है इसकी। सारा ट्रांसफर कर दोगे, अच्छे से शेक करोगे। ये हमने ले लिया है मोगो सॉल्ट एंड H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसमें जो है हम इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। इसको भी शेक करोगे और इसकी जो है 5 to 6 ड्रॉप्स ऐड करोगे टाइट्रेशन फ्लास्क में। शेक करके देखोगे इसको लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। अब इसको जो है अच्छे से शेक करके टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। हमें जो है वॉल्यूम नोट करना है यहाँ से डाइक्रोमेट का, और जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं इसका एंड पॉइंट क्या है, लाइट ग्रीन कलर टू वॉयलेट रेड कलर, डार्क वॉयलेट कलर आएगा, दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो कम्प्लीट हो चुकी है। इसको स्टार्ट करेंगे अब करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करनी है विद प्रॉपर शेकिंग। ब्यूरेट पे रीडिंग का भी ध्यान रखना है, जैसे ही आपका कलर आएगा इसको हम ऑफ कर देंगे स्टॉप ग्रॉप को। ये देखो कलर आना स्टार्ट हो गया, बट अभी ये जो कलर है लाइट कलर है, हमारे पास वॉयलेट रेड डार्क कलर आएगा, मीन्स अभी इसमें और एडिशन होगी। अच्छे से इसको शेक करोगे और फिर से इसमें ऐड करना स्टार्ट करोगे। प्रॉपर शेकिंग के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे इसको ऐड करेंगे हम। ये देखो ये हमारे पास कलर आ गया डार्क वॉयलेट रेड कलर। अच्छे से शेक करके देखोगे अगर कलर डिसअपियर हो रहा है दैट मीन्स अभी और हमें डाइक्रोमेट डालना है, लेकिन अगर कलर जो है परसिस्ट करता है दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो मैं इसे बहुत अच्छे से शेक कर रही हूँ, शेक करने के बाद भी जो कलर है इसका परसिस्ट कर रहा है, रेड कलर परसिस्ट कर रहा है ना, दैट मीन्स की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है कम्प्लीट हो गई। अब हम जो है रीडिंग नोट करेंगे ब्यूरेट से। ब्यूरेट से जैसे हम रीडिंग नोट करते हैं, ये देखो इसमें ये हमारे पास 9 का मार्क है, इसके बाद 9.5 रीडिंग आ रही है। इसको जो है हम नोट कर देंगे, ये होगी हमारी इनिशियल रीडिंग। क्लियर, सिमिलर वे में अब इसको गिरा देंगे और सेम इसी तरीके से जो है हम सेकेंड टाइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे।
सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है. सबसे पहले पिपेट आउट करोगे मोर सॉल्ट को 10 ml. दो रीडिंग देख के चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है दोनों के वॉल्यूम आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है क्या. वैसे हम टोटल 3 रीडिंग्स लेते हैं, मैं 2 रीडिंग देख के आपको दिखाऊंगी करके. अब इसमें 1 टेस्ट्यूब डालेंगे 4 नॉर्मल H2SO4 के. अच्छे से शेक करेंगे इसको. अब हम इसमें डालेंगे इंडिकेटर दैट इज एनफिनाइल एंथ्रामिनिक एसिड. 5 to 6 drops हम इंडिकेटर की ऐड करेंगे. इसको अच्छे से शेक करेंगे और इसको फिर टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे. मैं प्यूरेट को पहले 0 करके फिल कर लेती हूँ. इनिशियल रूम जो है फिर हमारे को 0 से स्टार्ट. जीरो तो फिट करके ब्लेड को अब फिर से अच्छे से इसको शेक करके टाइट्रेट करना स्टार्ट करूँगी. जो ये सॉल्यूशन रन करा रहे हैं इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली ड्रॉप वाइज कराएंगे, प्रॉपर शेकिंग के साथ करेंगे. हमें फर्स्ट एडिंग का आइडिया है ना कि फर्स्ट एडिंग नियर अबाउट 9 to 10 की रिश्ते में आई है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे ब्यूरेट में रीडिंग का. कलर आना स्टार्ट हो गया देखो, बट अभी लाइट कलर है इसमें, मीन्स अभी और एडिशन होगी. शेक करके देखते हैं इसको अच्छे से. कलर तो आ चुका है मेरे पास. कलर अपीयर हो रहा है देखो, रेड कलर आ गया, कलर अपीयर हो रहा है. शेकिंग करने पे ये डिसअपीयर भी नहीं हुआ, दैट मीन्स कि जो टाइट्रेशन है वो टाइट्रेशन के है कंप्लीट हो गई है. आपकी जो रिएक्शन है इनकी आपस में वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम रीडिंग को नोट करेंगे फिर से वही 9 और 10 के बीच में हम काउंट करेंगे टोटल कितने डेट्स आ रही है. 1, 2, 3 और 4 जो मेरी रीडिंग आ रही है 9.4 रीडिंग आ रही है. ये जो 9.4 रीडिंग है इसको जो है नोट कर लेंगे. फर्स्ट रीडिंग हमारी आई थी इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग 9.5. तो वॉल्यूम कितना हो गया 9.5 - 0 = 9.5. सेकेंड रीडिंग आ रही है हमने स्टार्ट 0 से किया था इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग 9.4. तो 9.4 - 0 = 9.4. इस तरीके से जो है हमने 2 टाइट्रेशन की रीडिंग लेके देखते हैं. थर्ड भी हम इसी तरीके से सेम परफॉर्म करेंगे और इसके बाद जो है तीनों जो रीडिंग आएगी उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे. वहाँ से फिर हमने जो मोहर सॉल्ट यूज़ किया उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम की हेल्प से नॉर्मेलिटी आ जाएगी, फिर हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कि मोहर सॉल्ट के फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. ओके थैंक यू.